नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके दुश्मन हैं उनको तबाह कैसे किया जाए। कि आजकल मतलब काफ़ी लोग अपने दुश्मनों से परेशान होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके दुश्मन मतलब साइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा अपने दुश्मन को तबाह करने का टोटका। और ये टोटका दोस्तों ऐसा है कि जो 24 घंटे के अंदर असर करेगा, और जो इसका असर रहेगा ना दोस्तों वो रहेगा एक महीना। एक महीने तक दुश्मन को आप जो आपका दुश्मन होगा ना उसको ये बिस्तरे से ना उठने नहीं देगा, ना तो उसके ऊपर कोई दवाई लगेगी और ना ही वो डॉक्टर के पास अगर जाएगा ना ठीक होने के लिए कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर भी उस बीमारी को पकड़ नहीं पाएगा। जितनी दवाई लेगा उतना असर, जितनी वो दवाई लेगा ना उसको ठीक करने में उतना उसके ऊपर असर बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों बहुत ख़तरनाक टोटका है। तो आपने करना क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने भोजपत्र का तो नाम सुना होगा दोस्तों सबने, जो कि एक 10 से 15 रुपए की चीज़ आती है भोजपत्र। तो आपने भोजपत्र ले लेना है, ठीक है दोस्तों। और आपको चाहिए सुहागन का सिंदूर, जो हमारी माताएं बहनें अपने जो माथे के अंदर जो सिंदूर लगाती हैं वो चाहिए आपको। और चाहिए दोस्तों गंगा जल, और एक चाहिए आपको अनार की कलम, ठीक है दोस्तों। और एक चाहिए आपको छोटा हाफ दारू, देसी दारू का पौवा, जो कि 30 से 40 रुपए का आ जाता है। तो दोस्तों टोटल ये सामान आपका 100 रुपये तक का आ जाएगा, 100 रुपये से भी कम पैसे में आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, किसी भी अमावस की रात या किसी भी मतलब शनिवार या मंगलवार की रात, तो आपने सुनसान जगह पे चले जाना जहां आपको कोई रोके या टोके ना, रात को 10 बजे के बाद। अगर शमशान में जा सकते हो दोस्तों तो बहुत अच्छा है, अगर जो इंसान शमशान में नहीं जा सकते तो वो दोस्तों मतलब ऐसी सुनसान जगह देख ले जहां पे कोई आपको रोके टोके ना और कोई देखे ना। तो ठीक है दोस्तों, भोजपत्र को ले लें, और दुश्मन की आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो आपने गंगा जल लिया है और जो आपने सिंदूर लिया है, गंगा जल को सिंदूर में डाल के उसकी शाही बनाए और अपने दुश्मन की फ़ोटो को सामने रख के भोजपत्र के ऊपर उसकी उसका चित्र बनाए, भोजपत्र के ऊपर चित्र बनाए अपने दुश्मन का, सामने फ़ोटो रख के उसकी, गंगा जल और सिंदूर की शाही बना के अनारी कलम से आपने उसका चित्र बनाना है भोजपत्र के ऊपर, तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, चित्र बना लिया, चित्र के साथ में आपने अपने दुश्मन का नाम भी लिखना है कि ये दुश्मन है हमारा, ठीक है। और आपने लेनी है एक कील, जो कील होती है आपने कील लेना है, और दुश्मन की भोजपत्र पे आपने चित्र बना लिया, नाम भी लिख दिया, और उस चित्र के बीच में, दुश्मन के बीच में आपने उस कील को गाड़ना है भोजपत्र के अंदर। कील दोस्तों ज़मीन में गड़ जाएगी, भोजपत्र आपने ज़मीन में रख लिया सारा कुछ करके, नाम लिख के चित्र बना के, और उस कील को भोजपत्र के जहाँ वो चित्र बना उसके बीच में गाड़ना है, तो वो कील ज़मीन के अंदर गड़ जाएगी और भोजपत्र उसके बीच में होगा, तो ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको। और उसके बाद आपने क्या करना है, फ़ोटो के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने दारू का पौवा लिया है, तो एक मंत्र होता है, वो मंत्र आपने 151 बार वो मंत्र वहाँ बैठ के पढ़ना है, जो कि मंत्र दोस्तों मैं आपको नहीं बता रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं मंत्र इस करके नहीं बता रहा आपको कि जो कुछ लोग मतलबी होते हैं तो कुछ लोग किसी पे गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस करके मैं आपको मंत्र नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको मंत्र जाना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या मेरे कॉन्टैक्ट पे कॉल करें, मैं आपको मंत्र बता दूंगा, जिसका कुछ शुल्क होगा दोस्तों वो आपको देना पड़ेगा, और मैं मंत्र आपको बता दूंगा वो फिर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वो मंत्र आपको 151 बार पढ़ के उस मंत्र के अंदर आपके दुश्मन का नाम भी आएगा, ठीक है। 151 बार पढ़ के दारू चढ़ाओ वहाँ पे देसी का, और मन के अंदर ये प्रार्थना करो कि हे सारे शमशान की शक्तियाँ, हे मसान, मैं ये आपको थल दे रहा हूँ, ये मेरा दुश्मन है और ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बड़ी मजबूरी में आके कर रहा हूँ, ये दुश्मन मुझे हर तरह से मारने की कोशिश कर रहा है और मैं मजबूरी में आके अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ, कृपया करके मेरे इस काम में मेरी मदद करें और दुश्मन को मतलब तबाह करें।
दारू चढ़ा के दोस्तों आपने वहाँ से आ जाना है। जोर जो आओगे आपके पीछे से अगर आपको आवाज़ लगे तो आपने मुड़ के नहीं देखना, आपने चलते आना है। अपने घर आके नहा धो लीजिए, फ्रेश होके अपना बाकी काम कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये ऐसा टोटका है कि 24 घंटे के अंदर असर दिखाता है और आपका जो दुश्मन होगा ना उसको ऐसी बीमारी देगा जिसका कोई इलाज ही नहीं है। जैसे कि पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, दिल में दर्द, कोई भी दर्द उसकी बॉडी में उठेगा। अगर वो दवाई लेने जाएगा ना दोस्तों तो दवाई तो लेगा, दवाई उसने ले ली और खा भी ली, जितनी दवाई वो खाएगा उसको ठीक करने में उतना असर उसका बढ़ता जाएगा। और ये जो असर है ये एक महीने तक उसकी बॉडी पर रहेगा और एक महीने के बाद वो असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है टोटका। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, जो कि एक मेरे शिष्य हैं जो कि दिल्ली से हैं, अभी अभी तंत्र लाइन में आए हैं मेरे पास और वो काम मुझसे सीख रहे हैं सारा। ठीक है दोस्तों, और वो पैर से पैरालाइज हैं, पोलियो ग्रस्त हैं, जो कि दिल्ली के हैं। उनकी माँ के ऊपर, उनके भाई के ऊपर किसी ने गलत विद्या से मतलब उनके पूरे परिवार को डैमेज किया है। तो उनका मकसद यही था कि वो मतलब आगे जो उनके साथ हो वो आगे किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों वो मुझसे तंत्र लाइन सीख रहे हैं और मैं उनको सिखा भी रहा हूँ दोस्तों, जो कि आने वाले वीडियो में आपको नज़र आएंगे मेरे साथ और आपको खुद बताएंगे अपने अनुभव और अपनी स्टोरी मेरी वीडियो पे आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देखना और उनके अनुभव सुनना कि उनको जो तंत्र लाइन में जो उनको अनुभव करने पड़े वो कैसे अनुभव थे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो कि मेरे दुश्मन हैं, जो जो पाखंडी बाबाओं के जिनके मैंने पर्दे फाश किए हैं वो दुश्मन हैं, वो मेरी वीडियो में गलत गलत कमेंट करते हैं। तो दोस्तों जो भी मेरा जो जिनकी भी मुझसे बात होती है, जो भी मुझे जानते हैं, तो वो उनको वहाँ पर जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उनको जवाब दीजिए मुँह तोड़, बाकी मैं तो बैठा ही हूँ आप लोगों का साथ देने के लिए। मैं तो दूंगा, लेकिन आप भी मेरी मदद करें और उनको मतलब जवाब देने में मेरी सहायता करें। ठीक है दोस्तों, और पाखंडी बाबाओं के चमचो, मैं तुम्हें एक चीज़ बोल रहा हूँ, बेटा सुधर जाओ, वीडियो में गंदे कमेंट करना बंद कर दो। अभी तो जो गंदा कमेंट करता है मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन बेटा आने वाले टाइम में ना तुम ब्लॉक नहीं होगे, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा और वो बर्बाद गारंटी से होगा, क्योंकि तुम जिन शक्तियों को गाली देते हो ना बेटा, वो शक्तियाँ सब सुनती हैं ये चीज़ें और सब देखती हैं। वो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैंने तो इशारा करना है कि जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि तुम लोग पागल हो जो पाखंडी बाबाओं के आके झांसे में आके तुम दूसरों की वीडियो पे गंदे कमेंट करते हो। तो मेरे मित्रों मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि मान जाओ, मत करो ऐसा, उनका कुछ नहीं जाएगा, बर्बाद तुम हो जाओगे, समझ गए। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत काम उठाऊं, गलत कदम उठाऊं तुम्हारे ऊपर, समझ गए। और मैं बता रहा हूं, जो मैं बोलता हूं ना वो मैं कर भी देता हूं और मैं सरेआम बोल के करता हूं। ठीक है यार, वीडियो देखो तुम लोग, शेयर करो, सपोर्ट करो, ना कि तुम दूसरे पाखंडियों के बाबाओं के चक्करों में आके तुम गंदे कमेंट करते हो। मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, बुरा तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा, समझ गए। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।